हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिल्कुल नए और यूनिक तरीके से कढ़ी बनाना सिखाऊंगी। इस तरीके से आप कढ़ी बनाओगे तो ना आपकी कढ़ी फटेगी और बिल्कुल चिकनी और मस्त कढ़ी बनेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दही लिया है। दही हमारा ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और उसको हमें बिलो लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने उसको अच्छे से बिलो लिया है और यहाँ पर अब हम इसको छानना है ताकि इसमें जो भी मलाई वगैरह होती है वो अच्छे से छन जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से छान लिया है, आप देख सकते हो। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें एक बड़ा गिलास पानी ऐड किया है, आपको ज़्यादा पतला नहीं करना है ये। और अब हम इसमें दो मुट्ठी के करीब बेसन डालेंगे। बेसन हमें ज़्यादा नहीं डालना है, अगर बेसन ज़्यादा डल जाएगा तो कढ़ी बाद में बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो बेसन हमें सिर्फ दो मुट्ठी ही डालना है और उसको अच्छे से चला देना है ताकि जितनी भी ये गांठे हैं अच्छे से ख़त्म हो जाएं। इसके बाद हम इसमें आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, एक चम्मच हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। और हमें सिर्फ दो ही मसाले डालने हैं, हल्दी और मिर्च, और इसके सिवा कोई मसाला इसमें नहीं डालना है। और उसको अच्छे से चला देना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने चार लहसुन की कलियाँ ली हैं, आप देख सकते हो मेरी बड़ी कलियाँ। अगर आपकी छोटे लहसुन की कलियाँ हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा। और इनको अब हम कूटने वाले में अच्छे से कूट लेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसे अब हमें कढ़ी में डाल देना है, जो हमने इसका पैटर्न तैयार किया है बैटर में डाल देना है और उसको अच्छे से घोल देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब जीरा डालेंगे और उसको तड़कने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि अच्छे से भुन ना जाए। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से कढ़ी बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको रेसिपी कैसे लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपना जो हमने कढ़ी के लिए बैटर तैयार किया था उसको डाल देंगे इसमें और अच्छे से चला देंगे ताकि ये तेल में अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से आप कढ़ी को बनाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये बिल्कुल यूनिक तरीका है। तो फ्रेंड्स, इतने हमारी कढ़ी यहाँ पे पक रही है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये हमें मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, तेज़ गैस पर नहीं करना है फ्लेम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने प्याज के पकौड़े बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने बेसन लिया है और एक बड़ा साइज़ का प्याज काट लिया है और आधा चम्मच मैंने इसमें मिर्ची डाली है, आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च हमें ज़्यादा नहीं डालने हैं क्योंकि हमें पकोड़े ज़्यादा तीखे नहीं करने हैं। आप चाहो तो प्याज और आलू के पकोड़े भी डाल सकते हो या फिर आप सिर्फ बेसन के पकौड़े भी इसमें डाल सकते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ प्याज के पकौड़े डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, इसे अब हम मैंने अच्छे से इसको घोल दिया है और अब इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे ताकि हमारा बेसन अच्छे से घुल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो आप, कढ़ी हमारी पकने लगी है, इसमें उबाल आने लगा है। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप कढ़ी में जब उबाल आ जाए तब इसमें नमक ऐड करें। नमक पहले आपको इसमें ऐड नहीं करना है, आपको इसमें 1.5 चम्मच के करीब नमक ऐड कर देना है, 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड करना है और इसको अच्छे से चला देना है ताकि नमक अच्छे से कढ़ी में मिक्स हो जाए। तो हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और उसको अच्छे से पकने देना है जब तक कि कढ़ी में लाल पपड़ी ना आ जाए। देख सकते हो फ्रेंड्स आप, इसका कलर कितना अच्छा है। तो अब हम इतने हमारी कढ़ी पक रही है तो हम इतने इसके पकोड़े तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे गैस पे मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है, अब हम इसके पकौड़े तैयार कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम गैस पे तेल हमारा हो चुका है, अब हम इसमें पकोड़े बना लेंगे। मैं यहाँ चम्मच की मदद से उतार रही हूँ पकोड़ों को, आप चाहो तो हाथ से भी उतार सकते हो। आप पकोड़ों का साइज़ छोटा ही रखें, ज़्यादा बड़े आपको साइज़ इनका नहीं करना है क्योंकि कढ़ी में छोटे पकोड़े ही अच्छे लगते हैं, बड़े साइज़ के पकौड़े अच्छे नहीं लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे अच्छे से। अब कढ़ी में प्याज के पकौड़े डाल के देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है इससे कढ़ी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और आप इस तरीके से इस रेसिपी को बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, हम अपने पकोड़ों को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हो पकोड़े बनके हमारे तैयार हो चुके हैं।
तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, कढ़ी में इनको डाल देना है और इनको 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है कढ़ी में डाल के। देख सकते हो आप टेक्सचर और कलर कितना परफेक्ट आया कढ़ी में, कितनी देखने में लाजवाब लग रही है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो 5 मिनट तक हमें इसको ऐसे ही पकाना है और इतने ये पक रहे हैं इतने हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें हम आधे चम्मच से कम जीरा डालेंगे क्योंकि जीरा हम पहले भी इसमें डाल चुके हैं, तो जीरा अब हमें कम डालना है। और अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और सुनहरी होने तक इसको पकाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 4 लाल मिर्ची ली हैं सूखी वाली और इनको अच्छे से भून लेंगे, इससे कढ़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे अच्छे से प्याज भुन चुकी है, अब हम इसका तड़का कढ़ी में लगा देंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा कढ़ी का टेक्सचर कलर कितना परफेक्ट आया है और खाने में भी बहुत ज़्यादा लाजवाब बनी थी, देखने में आप देख ही सकते हो कितनी परफेक्ट लग रही है देखने में। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कढ़ी का फाइनल लुक, आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो, ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। आप देख सकते हो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था फ्रेंड्स। आप जब भी बनाओ इसको रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।